बढ़ते हैं आज के खास समाचार की तरफ। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के दलोदा में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई और दलोदा वासियों ने आदिवासी प्रसिद्ध लोक नृत्य का खूब लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और अपने अपने मतदाताओं को रिझाने में जुट गए हैं। साथ ही अपनी अपनी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों का बखान आम जनता के बीच जाकर गिनाया जा रहा है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश पुनः भाजपा सरकार बनाने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश के सभी जिले में लगातार जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से क्षेत्रीय विधायक आम जनता से भाजपा को वोट देने की अपील कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इसी अवसर पर आज मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के गाँव नया खेड़ा बाईपास जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ हुई, जिसका जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। साथ ही दलोदा नगर में जनता के मनोरंजन के लिए आदिवासी प्रसिद्ध लोक नृत्य युवक युवतियों द्वारा किया गया। वहीं दलोदा की अटल नगर के राकेश जैन के नेतृत्व में कई लाडली बहनें हाथों में तख्तियां लेकर जन आशीर्वाद यात्रा में चल रही थी और कई युवा हाथों में भाजपा का झंडा लहराते उत्साह बढ़ा रहे थे। जन आशीर्वाद यात्रा में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित न हो, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही मंदसौर प्रशासन भी मौजूद रहा। जन आशीर्वाद यात्रा रथ पर लोग सवार थे मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, बंशीलाल गुर्जर, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक रामेश्वर शर्मा हुजूर विधानसभा। कार्यक्रम के संबोधन में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने विकास कार्य किया और आगे भी विकास कार्य करेगा, इसलिए भाजपा को आशीर्वाद दे। यात्रा में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत दलोदा भाजपा मंडल अध्यक्ष विकास सुराना द्वारा किया गया। स्टार 24 न्यूज मंदसौर।